यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैलकुलेट कर रहे थे, अगर तुम्हें याद हो। जरा एक बार ठीक से समझ लेना, इम्पोर्टेंट काफी। एक स्ट्रेट वायर और इस वायर के रेस्पेक्ट में जिस पॉइंट के ऊपर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो ये है, ठीक है? सर हेलो हेलो। हाँ हाँ भाई सुन रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम्हें आवाज आ रही हो तो मुझे बता दिया करो बीच में। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, इस पॉइंट के ऊपर हमें इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और ये लिमिटेड लेंथ का वायर है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि या तो वायर ही इतना बड़ा हो कि पॉइंट उसके सामने यहाँ पे हो, तो वायर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और अगर वायर एक तरफ है और पॉइंट एक तरफ, तो हम वायर की डायरेक्शन को एक्सटेंड करके उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। समझ गए? समझ पा रहे हो? नहीं, यस सर। ये डिस्टेंस ए है। अब क्या होगा कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमें इन टर्म्स ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द एंड्स ऑफ वायर इस तरह से दिए, जैसे इस एंड में यहाँ पर एंगल सबटेंड करा थीटा 1, और इस वायर में यहाँ एंगल सबटेंड करा थीटा 2, और ये थीटा 1 और थीटा 2 हमें किसी हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्सिस से मार्क करने पड़ेंगे। तो हमने अज्यूम कर लिया कि हम इसको रेफरेंस लाइन मान, यहाँ से कह रहे हैं कि थीटा 1 एंगल है, और ये दूसरे वाला जो एंड है यहाँ से हम कह रहे हैं कि थीटा 2, ये पॉइंट पी की तरफ है। अगर ये वायर ऐसे होता है यहाँ और पॉइंट इसके सामने होता है यहाँ, तब ये दोनों एंगल्स इस तरह से मार्क होंगे कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ऐसे। अब ध्यान से देखना जरा दोनों चीजों को। अगर तुम यहाँ पे देखोगे इस ऑर्डिनरी फिगर में, तो यहाँ पर रेफरेंस जो ग्रीन लाइन है उससे दोनों एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर होते हैं वो हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर यहाँ से देखोगे तो एक एंगल क्लॉकवाइज है और दूसरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। समझ आ गई ना भाई? यस सर। इस तरह की जो केस सिचुएशन आगे बनेगी न्यूमेरिकल में, तो उसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है इस वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दिया क्या है? वायर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वायर एंड एंगल सबटेंडेड एट द एंड्स ऑफ वायर। अब यहां मैं लिख देता हूँ थीटा 1 एंड थीटा 2 पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? एज बोथ आर मेजर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? अब जब हम बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था भाई कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने एक छोटा एलिमेंट ये लिया जो dx लेंथ का है, और यहां से ये x डिस्टेंस डू। अब हम क्या करेंगे फिर? इस एंड के मिड पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं,
तुम देखो जरा ध्यान से, फिर इसके मिड पॉइंट को हम उस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, पी के ऊपर फाइंड आउट करना, मिड पॉइंट को वहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और ध्यान से देखना जरा, इसके ऊपर जो टेंजेंट है वो टेंजेंट अगर तुम देख पा रहे हो तो यही तो होगा, ये बोलो ये खुद ही टेंजेंट होगा, ऐसे नहीं समझ पा रहे? ये एंगल है यहाँ पे, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो ये वायर जिसको हमने छोटे एलिमेंट में डिवाइड करा है, इसका एलिमेंट यहाँ पे खुद एक एंगल सबटेंड करता है जो बहुत माइन्यूट एंगल है, डी थीटा। ये एंगल है डी थीटा, और इस एलिमेंट की एंगुलर पोजीशन इस रेफरेंस लाइन से है थीटा। तो ये 90 डिग्री एंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए जितनी चीजें तुम्हें चाहिए वो सारी चीजें तुम्हारे पास अवेलेबल है। देखो जरा, बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए तुम्हें चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म, ये तो तुम अपने आप रख दो। फिर करंट इन द वायर आई, लेंथ ऑफ द एलिमेंट डी एक्स, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट टू मिड पॉइंट ऑफ एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एलिमेंट टू पॉइंट पी, ये टेंजेंट है, ये लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एलिमेंट टू पॉइंट पी है, तो ये एंगल यहाँ 90 माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई, अभी डिस्टेंस ये होती है मिड पॉइंट ऑफ एलिमेंट की पॉइंट पी से, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ आ गई बात? अरे किसी को डाउट है क्या? कोई नहीं सर। नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एक्स कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू डीएक्स। अब तुम यहां से देखो कि यहाँ पे दो दो वेरिएबल हो जाए, क्योंकि हमें पूरे वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अगर हम ऐसे सर्कल्स बनाएंगे तो वो सारे सर्कल पॉइंट पी के लिए इनवर्ट टेंजेंट शो करेंगे, तो सबका फील्ड होगा अंदर की तरफ, तो इसलिए सबका ऐड कर देंगे जितने एलिमेंट इस पूरे वायर पे होंगे, तो सबका ऐड करने के लिए एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक लो पूरे वायर के लिए, उनका मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर दो। अब तुम ये देखो कि जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो इस एंड के लिए जो थीटा होगा अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, और साथ साथ एक्स भी वेरी करेगा फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो तुम्हें यहाँ एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, एक्स और थीटा दोनों ही वेरिएबल है, समझ पा रहे हो? बोलो। तो हम इस एक्सप्रेशन के लिए सिंगल एक्सप्रेशन बना लेंगे। अब सिंगल एक्सप्रेशन किस तरह से बनाएंगे कि ये देखो जरा यहाँ पे कि इस ट्राइंगल से x अपॉन a दोनों वेरिएबल को रिलेट कर रहा है, x अपॉन a इक्वल टू 10 थीटा। तो हम यहां देख लेंगे इसे, यहां पर x इक्वल टू a 10 थीटा। अगर इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे मैं यहाँ पे चीजें थोड़ा एडजस्ट करने के लिए यहाँ रख देता हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएक्स की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे डीबी I upon A
देखो यहाँ से ये ए है और ये ए है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लो तो इस ए से कैंसिल आउट होगा, तो नीचे ए बचा, फिर नीचे 1 + tan² θ बचेगा जो sec स्क्वायर थीटा होगा, ऊपर के sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा हेलो cos। हाँ भाई बोलो। सर, ये सर dx वाली चीज समझा दो, dx इक्वल a से x स्क्वायर थीटा का सर। डिफरेंशिएट कर दिया ना भाई सर, dx बाय d थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, वो d थीटा उधर भेज दिया सर, थीटा का d थीटा हो गया फिर सर। ठीक है सर। हेलो, अरे भाई थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा x को तो dx बाय d थीटा ही तो होगा, जैसे जब y को x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाय dx होता है। सर हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। अरे हाँ यस, जैसे जैसे y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx होता है, तो वैसे ही थीटा के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन भी तो dx बाय d थीटा होगा। नहीं समझ आया? आ गया सर। अब पी इक्वल टू आ गया सर, आ गया। म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन ए, पूरे वायर को अगर हमें करना है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये देखो कि इस थीटा की वैल्यू जब हम पहला एलिमेंट यहाँ पे ले लें तो इसकी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा 1, और नीचे की तरफ बढ़ाते चले जाओ लास्ट एलिमेंट फिर हम यहाँ पे ले लें वहां पे कितनी होगी, थीटा 2, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, ऐड कर दो थीटा 1 से थीटा 2, ये कितना होगा यहाँ पे, यस नॉट अपॉन 4π आई अपॉन ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा, अपर लिमिट लगाऊंगा साइन थीटा 2, माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा साइन थीटा 1, ये चेक कर लो यहां तक किसी को कोई डाउट है। हेलो, नो सर, पक्का समझ आएगा ना सबको यहाँ तक तो आ गया। इस चैप्टर यस में सर, तीन चार ही फॉर्मूले हैं जितने करा चुका अब तक, वैसे एक सोलेनोइड का और आएगा उसी पे पूरा चैप्टर, पूरी मैग्नेटिज्म इसी में चलती रहेगी। सर आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है आज भी। क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क चेक करो, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तुम्हारे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत दबी दबी आ रही है। ये आइज़ैक आइंस्टाइन पंडा कब से हो गया भाई, एक कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन है, एक कोई आइज़ैक आइंस्टाइन भाई है, गजब गौर, सब आइंस्टाइन के बच्चे यहीं आ गए। ये कौन है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ये पंडा कौन है, यस सर साइंटिस्ट के नाम लिख दिया था, तो के ले लिए तुमने, तो भाई साइंटिस्ट का नाम भी गुण तुम्हारे क्या पता सर, साइंटिस्ट का नाम रख के कुछ पढ़ा ही समझ में आ जा। सर एक ही था सर, कौन सा आइज़क, तो आइज़क तो भाई सर आइज़क न्यूटन था वो तो। अच्छा न्यूटन थे क्या वो, हाँ इसीलिए तो तुम्हारी जी के कमजोर है, बट तुम्हें कुछ पता था इन दुनिया अंदर कैसे ही तुम्हें दुनिया चल रही, ठीक है पढ़ लो कुछ लाइफ में बन जाओ ऐसे। केस वन है कि इफ पॉइंट पी लाइज इन फ्रंट ऑफ द वायर, समझ गए,
अरे समझ पा रहे हैं नहीं? यस सर। ये एंगल जो है भाई ये थीटा वन है, ये जो ये वाला एंगल है ये थीटा टू, ये ए जो है ना ये ए डिस्टेंस है ये वाला। अब तुम यहां से ये देखो एक बार कि जो डेरिवेशन हमने किया है उसमें और इसमें क्या फर्क है। उसमें जो थीटा वन और उसमें थीटा वन और थीटा टू दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज थे, तो दोनों के दोनों नेगेटिव थे, सॉरी दोनों पॉजिटिव थे। यहाँ पे देखो थीटा वन जो है वो ऊपर की तरफ मेजर होगा, थीटा टू नीचे की तरफ मेजर होगा, तो यहाँ थीटा वन कैसा होगा नेगेटिव, थीटा टू कैसा होगा पॉजिटिव। क्यों? चूंकि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ आ रही नहीं? यस सर। जो इससे पहले वाला एक्सप्रेशन था उसको यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए साइन थीटा वन, साइन थीटा वन था साइन थीटा टू था, साइन थीटा टू था साइन थीटा टू माइनस साइन। तो पहले एक्सप्रेशन में थीटा वन कीजिएगा माइनस थीटा वन रख देंगे, साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। समझ आ रहा ना भाई? यस सर। यस सर। इसके बाद है फिर इसमें कि पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द वायर। यस, ये फोटोग्राफ बदलने से ज्यादा अच्छा मैग्नेटिज्म पर ध्यान दे रहे होते, लाइफ में कुछ बन जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही बस फोटोग्राफ ही बदलते रहना पड़ेगा। सर मेरा तो सेम ही है जब से। ये तो फिर अब बदल के ये कौन है? ये अग्रवाल तेरा अलग आ गया, अब की बार कुछ पेट सा लग गया पता नहीं। सर मेरा तो यही है पांडे जब से। ये कौन है जो फटाफट बदल रहा है? तो नाम तेरा रहा है इस पर, ये अग्रवाल नाम लिखा हुआ है तो दोस्त होगा। देखो भाई यहाँ पे एक एंगल इधर मेजर करेंगे थीटा, व्योम बट्टे फोटोग्राफ बदलने के बजाय इस पर ध्यान दे रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे कुछ होना जाना नहीं, जो काम तो कर रहा सर पढ़ी रहा हूँ। मैं तुझे देख रहा हूँ तू काफी देर से फोटोग्राफ बदलने के ध्यान है तेरा, और आदमी इतना होशियार नहीं होता कि वो दो दो जगह अपनी कॉन्सेंट्रेशन को अटेंड कर, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करता है। तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो, तेरे से बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे, ये समझ आ गया ना भाई? अब तुम देखो yes, sir। अब यहाँ थीटा वन और थीटा टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में
दोनों के दोनों एक ही हो जाएंगे सेम, पर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। अब दो चीजें कि या तो इस वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ थीटा टू की जगह थीटा और थीटा वन की जगह थीटा रख दो, ठीक है, यस, नहीं तो फिर इस वाले एक्सप्रेशन में थीटा टू की जगह थीटा और थीटा वन की जगह माइनस थीटा वन रख लो। ये बात समझ आ गई? ये तो आ गई सर, मतलब दोनों में से जो भी तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लो। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा फाइनली वो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए टू साइन थीटा। ठीक है तो यहां से होगा कि वायर थोड़ा बड़ा है, कुछ कितना बड़ा है कि इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एंड पॉइंट इज सिचुएटेड। In front of the अब तुम थोड़ा इसको एक चीज ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ, ये infinitely long wire और point जो है वो इसके सामने, तो सामने का मतलब कहीं पे भी तुम लिख सकते हो, मान लो यहाँ पे है ये point, ये a distance है, तो तुम ये देखो भाई कि ये वायर जो ये infinitely long wire ऐसे। अब तुम जरा ये चीज समझने की कोशिश करना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये वायर इतना बड़ा होता तो थीटा वन कुछ होता, तो तुम ये देखना कि जैसे जैसे इस वायर की लेंथ बढ़ रही है तो थीटा का क्या होगा सर? डिक्रीज। यार डिक्रीज कैसे हो रहा भाई थीटा? सॉरी सर, इंक्रीज हो रहा है। ये तो दिख रहा है यार, ये तो सामने ऐसे किसी बात कर रहे तो भाई ये एंगल ही तो है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ये वाला एंगल की तो बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ये इंक्रीज है सर, ये तो ये जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इन्फिनिटी तो दिखेगा नहीं ना कभी, तो ये इन्फिनिटी के लिए कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री, एक अप्रोचिंग टू प्लस 90 हो जाएगा और जो नीचे वाला है वो अप्रोचिंग टू माइनस 90 हो जाएगा। थीटा वन टेंडिंग टू माइनस 90, थीटा टू टेंडिंग टू प्लस 90। ये बात समझ आ गई ना भाई? तो बी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए इनटू ट्वाइस ऑफ साइन 90 रख दूंगे। यस सर, जो पिछले एक्सप्रेशन से देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये लॉन्ग वायर की वजह से उसके सामने किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ आ गई बात? थीटा मतलब थीटा तो टेंडिंग के लिए है, एग्जैक्ट क्यों नहीं लिया? अरे यार इनफिनिटी कुछ एग्जैक्ट नहीं होता ना भाई, वो बस बड़ा होता चला जाएगा, तो टेंडिंग तो 90 का मतलब तो 90 हो गया ना। जेनी मैथ्स नहीं आती क्या? ये तो हमें सर पर हमें ये तो पता है कि इनफिनिटी पे एंगल 90 से ज्यादा नहीं हो सकता,
फिर हम टेंडिंग क्यों लेंगे जब हमें एग्जैक्ट पता है डेंसिटी होगी होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई। इनफिनिटी कोई मेजरेबल क्वांटिटी है नहीं सर, सर टेंडिंग ही होगा। तो फिर 90 कैसे कह दोगे? 90 के लिए तो बिल्कुल सर टेंडिंग ही होगा, गलत कह रहा है, सही है बच्चा है ना, छोटा बच्चा। मैथ्स कार्टेशियन कहां लगा रखा तुम? सर एमसी त्यागी सर, एमसी वहां चले गए तुम लोग? नहीं सर, हम तो वहीं पढ़ रहा, हम तो सर अभी वहीं फंसे हुए। अच्छा जेनी स्टार्टिंग का ज्ञान वहीं से लेके गया था? हाँ सर, हम तो वहीं फंसे हुए सर, हमारे मास्टर। तो सर ये किसी को क्या ही गया था? देखो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और पॉइंट एक एंड पर है, मान लो ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसके सामने भी यहाँ पे ये पॉइंट है। अब तुम ध्यान से समझना जरा इसको, तो फिर कहो ये क्या ही हो रहा है। यस, तो ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये तो उधर की तरफ चला गया, एक एंड यहीं पे ही हो गया। तो यहाँ पे तुम ये देखो थीटा वन कितना हो गया यहाँ पे, थीटा टू कितना हो गया बोलो। अरे भाई समझ नहीं आ रहा है क्या करा रहा है। यस सर, अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि भाई ये वायर जो है ये इस एंड पे हो जाए यहाँ, तो उस केस में थीटा टू जीरो हो जाएगा और थीटा वन कितना हो जाएगा? थीटा वन टेंडिंग टू पाई बाय टू, पाई बाय टू। तो ये जो ये एक्सप्रेशन था स्टैंडर्ड जो हमने डिराइव किया था भाई, इसमें रख लो वैल्यू, या तो साइन कन्वेंशन के साथ रखनी पड़ेगी इसमें, नहीं तो फिर मतलब बिना साइन कन्वेंशन के रखोगे तो फिर इसमें रखनी पड़ेगी अगर मैग्नेट्यूड ही रखोगे। समझ आ रही नहीं बात? तो एक साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक की वैल्यू वन हो जाएगी, तो कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन थ्री। ये बता दो ये बात अब समझ आ गई नहीं? यस सर। अब ये देखो हमने क्या क्या कराया है इसमें, हमने इसमें सर्कुलर रिंग पढ़ी है, इसके हमने दो केस पढ़े हैं, सेंटर और एक्सिस पर। फिर हमने स्ट्रेट वायर पढ़ा है, स्ट्रेट वायर के हमने मल्टीपल केसेस करे, तो इसमें एक केस अभी और पेंडिंग है सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड में भी हम दो तीन दो केस पढ़ेंगे, तो बस इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तुम अब एक काम करना, इसमें दो चैप्टर हैं, एचसी वर्मा में 34 है 33 है, तो तुम चैप्टर हाँ 34 जो है ये चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, देख भी लेना उसमें इस तरह के न्यूमेरिकल हो, तो इसकी प्रॉब्लम करना शुरू कर देना, कल मैं सोलेनॉइड पढ़ा दूंगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर सोलेनॉइड की जो प्रॉब्लम है वो बाद में है, तो उसके डाउट्स पर सर खत्म भी हो गया चैप्टर, एक चैप्टर अभी खत्म हो गया सोलेनॉइड का, एक आर्टिकल बचा है, और ये ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर तुमने तमीज से नहीं पढ़ा तो तुम्हारे से प्रॉब्लम होगी नहीं।